नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूटपाट करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को किया काबू, लूट के दो मोबाइल भी किए बरामद। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौके पर नगर कीर्तन का किया गया आयोजन, जगह जगह स्वागती गेट सजाकर और फूलों की वर्षा कर नगर कीर्तन का किया भव्य स्वागत। जालंधर की होटल शंग्रीला में टिमटिम बाजार एग्जीबिशन की हुई धमाकेदार शुरुआत, बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स की जमकर खरीदारी। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों पर गलत तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना सदर के अधीन नाते विजयनगर चौकी की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गत दिनों एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने का मामला सामने आया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी विजयनगर की पुलिस ने दो दोषियों को काबू किया, तो वहीं इस अवसर पर पुलिस अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 5-6 के करीब नौजवान अपना गैंग बनाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी ओर से पहले भी एक वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन उस व्यक्ति की ओर से उन्हें कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने एक और लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें ये एक व्यक्ति से उसका मोबाइल फोन छीनते हुए नजर आए और उस व्यक्ति की ओर से उनके पास शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं उन्होंने बताया कि इस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने इन दोनों नौजवानों को काबू किया और इनके बाकी साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये नशे की पूर्ति के लिए लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं। इनकी उम्र 20 से 22 वर्ष के करीब है। तो वहीं उन्होंने कहा कि दोषियों से दो लूट के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इन्होंने और कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया है, इस संबंधी भी जांच जारी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक 5 तारीख को वीडियो वायरल हुई थी, जिस वजह टिक्की वाले को जो दो नौजवान जो खोह कर रहे थे, उसके को पैसों की कोई खोह नहीं हुई, जिदा करके उन्हें भी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई, तो ना ही कोई वो मतलब उन्हें सानू साढ़े नॉलेज लिया। तो उस तो बाद इन्होंने जे जे 5-6 जने ने मोहित आ, प्रणाम आ, सवण आ, राजबीर आ, विक्रम आ, करण आ, इन्होंने होर भी सारे ने इकट्ठे होकर एक फोन की जी स्नैचिंग की थी, जिदी सू को कंप्लेट आई, तो अं तुरंत कार्रवाई करते हुए जोड़ा मोहित उर्फ वीरू आ, जोड़ा विक्रमजीत सिंह उर्फ काका वा, इन्हों असी गिरफ़्तार किया। तो इन्हों को खोशुदा जोड़े मोबाइल आ, दो मोबाइल जोड़े वो बरामद किए आ। तो इन्होंने मतलब मनिया साड़ी पूछगिछ के जी टिक्कियां वाली खोह ही भी मोहित ने ते विक्रम ने, अं दोवे ने उस को खोह करने की कोशिश की, पर जेब चो सू कोई पैसा जोड़ा बरामद नहीं होया। हाले फरदर इनवैसटीगेशन चल रही है, वो आप देखा भी इन्होंने खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं। बैकग्राउंड ये नशे करने के आदि आ, तो इस तरह छोटिया मोटिया जी वारदातें चोरी करके अपने नशे की पूर्ति करते हैं। दो बंदे अं जो गिरफ्तार कर लिए। हाँ, ये 5-6 जने इकट्ठे ही नशा करते हैं, तो इकट्ठे ही मतलब ये वारदातें करते, छोटिया छोटिया वारदातें चोरिया करते, कि फोन खो लिया जो घरों फोन चक लिया, इंज दिन वारदात करते। उम्र इन्हों की 20-22 साल के करीब है, जी आप रैसट किए, बाकी रैसट करा तो पता लगा। साढ़े मानजोग CP साहब वालों हदायत ने कि जोड़ा किसी भी तरह का जो क्राइम है वह टॉलरेट नहीं किया। मुस्तफाबाद के रहने वाले जी, ये पढ़े नहीं है जी, कोई 5-7 पढ़िया, कोई 8 पढ़िया वा, बस इन्हें की पढ़े लिखे काटी है। वो बारे इनवैसटीगेशन चल रही है, जो भी इनवैसटीगेशन सामने आऊगा फिर वो मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी। खोह की है जी, हाँ जी, फोन ये वक्त वक्त जगह तो लैके आते, मतलब इस तरीके भी इनवैसटीगेशन चल रही है, कितों लैके आते भी पता कर। नहीं, ये बारे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौके पर 5 प्यारों की अगुवाई और गुरु ग्रंथ साहिब जी की
छत्र छयमी फिरोजपुर के खालसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और इलाके की संगत के सहयोग से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने जगह जगह स्वागती गेट सजाकर और फूलों की वर्षा कर इस नगर कीर्तन का भरपूर स्वागत किया। इस अवसर पर खालसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सतेंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये नगर कीर्तन पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीद दिवस के मौके पर खालसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और इलाके की संगत के सहयोग से फिरोजपुर छावनी के विभिन्न इलाकों से होता हुआ वापस खालसा गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। वहीं उन्होंने बताया कि नगर कीर्तन का जगह जगह लंगर लगाकर और फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शहीदा दे सरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है, जिस उपलक्ष्य में अज 8 तरीक न खालसा गुरुद्वारा फिरोजपुर छावनी विखे अखंड पाठ साहब रखवाए गए और अज ही नगर कीर्तन पंज प्यारियां दी अगुवाई विच गुरु ग्रंथ साहब की छत्र छाया विच कढ़िया जा रहा है, जो कि वक् वक् बाजारा चों हुंदा होया जीटी रोड तो मेन बाजार कबाड़ी बाजार उस तो उपरंत फिर खालसा गुरुद्वारा पहुँचेगा। और इसे उपलक्ष्य में 10 तरीक न गुरु ग्रंथ साहब जी दे अखंड पाठ साहब जी दे भोग पैणगे। उस उपरंत दरबार साहब तो रागी जत्था कथावाचक संगतां दे सहयोग नाल बुलाए गए हन अते बड़ी श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। सारियां संगतां दे सहयोग नाल मनाया जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शॉपिंग के दीवाने जालंधर वासियों को एक ही छत के नीचे उनके पसंदीदा प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाने के लिए टिमटिम बाजार की धमाकेदार शुरुआत हो गई। होटल शंग्रीला में शुरू हुई इस फैशन और लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में बड़ी संख्या में जालंधर वासियों ने पहुंचकर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स की जमकर खरीदारी की। तो वहीं इस बात की जानकारी टिमटिम की इवेंट ऑर्गेनाइजर मीनू मनुचा ने हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि एग्जीबिशन में समर सीजन के मद्देनजर ग्राहकों को एक ही छत के नीचे उनके पसंदीदा प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाए गए। एग्जीबिशन में जालंधर समेत पंजाब के अलग अलग जिलों तथा देश के दूसरे राज्यों के जाने माने ब्रांड के स्टॉल्स पर ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। वही उन्होंने बताया कि स्टॉल्स पर ग्राहकों को उपलब्ध करवाए गए बच्चों के कपड़े, नेचुरल प्रोडक्ट्स, डिजाइनर साड़ियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एक्सेसरीज, होम और डेकोर के सामान की उन्होंने जमकर खरीदारी की। उन्होंने बताया कि इस 2 दिवसीय एग्जीबिशन में जालंधर, दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, सहारनपुर और गुजरात के जाने माने ब्रांड के प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए गए। उन्होंने जालंधर वासियों से होटल शंग्रीला में चल रही इस एग्जीबिशन में बड़ी संख्या में पहुँचकर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने की अपील भी की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश की रिपोर्ट। नाम क्या है? मेरा नाम गुनीता बिंद्रा। मैम आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। मैम जालंधर में आके टिमटिम का स्टॉल लगाकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। जालंधर वासियों ने हमें बहुत ही अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छा क्राउड है और बहुत अच्छी सेल हमारी जा रही है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बेसिकली आपका प्रोडक्ट क्या है मैम? मेरा प्रोडक्ट ज्वेलरी है जी, जो एडी कलेक्शन जिसको अमेरिकन डायमंड आप बोलते हैं, जो कि गोल्ड में लगती है, वो मेरे पास ज्वेलरी है। जो मेल और फीमेल की ज्वेलरी है हमारे पास, ब्राइडल सेट होते हैं हमारे पास, मेल के लिए 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश के कड़े होते हैं, चैन्स होती हैं, ऐसे ही फीमेल्स के लिए हमारे पास हर तरीके की सेट्स होते हैं, एक नज़र ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमारे पास ब्रास की ज्वेलरी, एडी की ज्वेलरी, सिल्वर रेप्लिका की ज्वेलरी एंड मल्टी स्टाइल्स हमारे पास फंकी ज्वेलरी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम मोना मेहरा है। मैम आप कहाँ से हैं? मैं सर अमृतसर से आई हूँ और मैं अपने ब्रांड नेचुरलिश को रिप्रेजेंट करती हूँ। ये सर मैंने काफ़ी साल पहले ये मैंने देखा कि एक नॉर्मली एक दुनिया में थोड़ी समस्याएं हैं जो हमारे यंगस्टर्स को, हर एज ग्रुप को है, स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड। तो मैंने उसमें बहुत रिसर्च करके आयुर्वेदा की पढ़ाई करने के बाद
मैंने वो चीज़ें डेवलप की हैं जो कि नेचर से जुड़ी हैं और भगवान की कुदरत से मैंने चीज़ें उठाई हैं। जैसे कि ये मैं शैम्पू बनाती हूँ, ये 32 जड़ी बूटी से बनाती हूँ और ये हर टाइप का डैंड्रफ कवर करता है। किसी के बाल टूट रहे होते हैं उसको भी, इवन की हेयर सरोसेस को भी ये शैम्पू ठीक करता है। इसको बनाने में मेरे को एक वेसल बनाने में मुझे 15 दिन, मिनिमम 15 दिन लगते हैं और इसमें 32 जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं। और सर मैं हर चीज यहाँ पे आप जो देखोगे वो नेचुरल देखोगे। ये लिप बाम है और ये स्किन क्लेंजर है और ये जो कोकोनट का पल्प होता है ये उससे मेरा बनता है और एब्सोल्युटली प्योर एंड एब्सोल्युटली नेचुरल। और सर प्योर रोज वाटर है जो कि देसी गुलाब की जो फर्स्ट वेपोराइजेशन होती है, कंडेंसेशन एंड पहले वेपोराइजेशन देन कंडेंसेशन, ये मैं उससे बनाती हूँ, उससे कलेक्ट करती हूँ। और ये इसमें फ्रेग्रेंस जो है कुछ आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, प्योर देसी गुलाब का। संकेत वासी महंत श्री रघुनाथ दास जी महाराज की तीसरी पुण्यतिथि पर भव्य भंडारा एवं हवन यज्ञ श्री प्राचीन हनुमान मंदिर वैरागी आश्रम टांडा रोड जालंधर में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित अम्बरीश जी ने वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना कर वर्तमान महंत महामंडलेश्वर महंत श्री केशव दास जी महाराज द्वारा पूजनीय संकेत वासी महंत श्री रघुनाथ दास जी महाराज के निमित्त अनुष्ठान किए। तो वही इस भंडारे में पुजारी पंडित आचार्य दुर्गेश त्रिपाठी, वर्तमान महंत केशव दास जी महाराज, महंत पवन कुमार दास रुड़का खुर्द, बाबा राजकिशोर हरि राम दास, आचार्य संजय बेदबाल, महंत रामदास, महंत सुरेश दास, महंत पवन दास जंडू सिंघा, महंत बली राम दास, महंत सिया शरण दास सहित दूर दूर से आए संत महापुरुषों ने संकेत वासी महंत श्री रघुनाथ दास जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, राजीव वालिया, डीपी मली, राजेश जैन, नरेंद्र शर्मा, वरिंद्र शर्मा, राजन कालिया, गुरमीत, निक्की, डिम्पी सचदेवा, विजय महाजन, विपन शर्मा, गोल्डी, राजेश जैन, डिंपल सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत गंगादास जी महाराज जी का जन्मोत्सव 16 जून को मंदिर श्री बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजर जालंधर में श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत केशव दास जी महाराज की अध्यक्षता में मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में आमंत्रण पत्र जारी किया गया। इस दौरान श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत केशव दास महाराज ने बताया कि बाबा लाल दयाल आश्रम ट्रस्ट और समूह संगतों की ओर से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री गंगादास जी महाराज का जन्मोत्सव 16 जून को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वे उन्होंने बताया कि 16 जून को सुबह 9 से 11 बजे तक महंत गंगादास जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने समूह भक्तों को जन्मोत्सव के लिए आमंत्रित किया और कहा कि इस दौरान विशाल भंडारा भी लगाया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मां गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी सेवकों श्रद्धालुओं को जानकर अति प्रसन्नता होगी कि गुरु महाराज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत गंगादास जी महाराज जी का जन्म दिवस हर साल की तरह इस साल भी मंदिर श्री बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजा में 16 जून दिन रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विशाल लंगर भी लगाया जा रहा है। आप सभी सेवक श्रद्धालु इस अवसर पर सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ करवाया गया। इस मौके पर कुबेर शर्मा व नंदिनी शर्मा, प्रदीप शर्मा और तानिया शर्मा मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए एवं यज्ञ वेदी में आहुतियां डाली। इस मौके पर ब्रह्माचार्य सुशील आर्य ने पवित्र वेद मंत्रों का जप कर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। तो वहीं आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने भजनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। तो वहीं आर्य समाज के सचिव हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए याज्ञिक परिवारों और श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया। इस मौके पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चौधरी, हरिचंद,
सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, वैश्यनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जी, क्योंकि हमारे कवरे करते हैं, हमारे पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार हो रहा है, इनका भी बहुत भारी शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति सरस्वतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि शांति शांति शांति। धन्यवाद आचार्य शिव शास्त्री जी। मैं काफी देर से आर्य समाज में आ रहा हूँ, लेकिन आज मैंने बड़े ध्यान से आपकी बातें सुनी। तो हम लोग घड़ी देखते हैं, 10 बजेंगे और ये कार्यक्रम कब खत्म होगा। आज ध्यान से सुना तो ये लगा कि नहीं, ये आधा घंटा बहुत कम है। अगर आप ध्यान से किसी चीज को भी सुनेंगे, अब आचार्य जी ने बड़े ही सरल शब्दों में आपको कई बातें बताई जो आपको पता भी नहीं होंगी। उनका काम कार्य पूरा हो गया, अब ये कार्य आपका है कि आप उसको कैसे अपने अंदर ढालते। तो मैं प्रधान जी से एक जरूर विनती करूंगा कि कभी एक ऐसा सेशन लगाए, कम से कम 2-3 घंटे का प्रोग्राम ऐसे हो जहाँ पर हम आचार्य जी को आमंत्रित कर सके। तो अब मैं हमारे प्रधान रंजीत आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आए हुए सभी हमारे मेहमानों का और खासकर जो हमारे अपने परिवार के ही आज के मुख्य यजमान हैं उनका धन्यवाद करें। यजमान के रूप में दो परिवार प्रस्तुत हुए, रहकर हमारे परिवार हैं प्रदीप शर्मा, तान्या शर्मा, अनिल हुसैन जी, कंचन हुसैन जी। बड़ी श्रद्धा के साथ इन सभी के साथ हम सभी ने मिलकर इस पवित्र पावन यज्ञ को संपन्न किया है। हमारे आज के यही ब्रह्मा आचार्य सुशील जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से ओम मुख्य नाम ओम है उसकी व्याख्या भी और भी कई ढंग से आपको सोचने में मजबूर कर दिया कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 40 मिनट का रेगुलर, मैंने आज प्रयास था मेरा 40 मिनट के लिए भजन शक एक ही बोला करें। मैं आप बहनों से प्रार्थना करूंगा कि भजन एक ही हम रखा करेंगे, तो कम से कम जिस दिन सुशील जी आए हम 40 मिनट से कम रखा देखते हैं सुनेंगे, ये हम विचार करें। अगर 5 मिनट लेट करना पड़े तो कोई बात नहीं, ऐसे जैसे ऐसे विद्वान आते हैं तो हम उनका कुछ हम अपने को ग्रहण कर सकें। जिस प्रकार आज हमने महसूस किया कि हमारा ध्यान नहीं दुर्गर हो रहा था पूरा, सभी एक तो केवल होता है कि कोई इधर बातें करता है उधर करता है। तो मैं आप सभी का, मैं परमात्मा पर नहीं छोड़ सकता कि वो मुझे प्रेरित करेंगे, हर काम के लिए प्रेरित करेंगे। परमात्मा ने ड्यूटी दी हुई है मुझे, एक सुंदर शरीर दिया हुआ है और एक सौभाग्य है, ये जीवन एक सौभाग्य है। तो वेद की जो विचारधारा हुई ये कहती है कि पुरुषार्थ तो मनुष्य का है, और ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, पुरुषार्थ तुम्हारे भाग्य से बड़ा है। ये बड़ी सुंदर बात है, ये ऋषि दयानंद ने कही है कि तुम्हारा भाग्य जो है, जो भाग्य जो है उससे तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि तुम्हारे पुरुषार्थ से ही तुम्हारा भाग्य बनने वाला है। अगर मैं आज पुरुषार्थ करूंगा, अगर मैं कुछ प्रयास करूंगा, जीवन में कुछ कर्म करूंगा, तभी उसका कुछ परिणाम आएगा। बिना पुरुषार्थ किए, बिना कर्म किए मैं किसी परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकता हूं। तो परमपिता परमात्मा जो वेद में वो कहते हैं कि ईश्वर में आस्था हमेशा रखो, अपने पुरुषार्थ पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने सामर्थ्य पर भी इस बात पर अपने को कॉन्फिडेंस रखो कि मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखो कि ईश्वर की प्रेरणा ही होगी,
ईश्वर की प्रेरणा के, ईश्वर की कृपा के बिना मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। बड़ी सुंदर बात है ये। संदीप शुक्ला अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे। उनकी आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित सोमनाथ ने श्री गुरु पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय संदीप शुक्ला की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय, गीता मंदिर प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन विजय खुल्लर सहित पारिवारिक सदस्यों में मधु शुक्ला, आकाश शुक्ला, वसुंधरा शुक्ला, विनोद कुमार शर्मा, उषा शर्मा, बबीता शर्मा, जीवन शर्मा, विकास, देविंदु शर्मा, सुमनेश शर्मा, नीतू शर्मा, बिट्टू शुक्ला, उज्जवल शुक्ला, शालू सहगल, सोनिया चावला, नवीन धवन, आस्था गुप्ता, सुमन सुजाली अरोड़ा, जतिन खुराना, राजेश गुप्ता, रीटा गुप्ता, अभीर गुप्ता जोशी, राजन दुग्गल, आर बजाज, मोना सहित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय संदीप शुक्ला को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। निर्मला देवी अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी। उनकी आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल में करवाया गया। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गुरु पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय निर्मला देवी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पंकज शर्मा, सविता शर्मा, नितिन कुमार, रेणुबाला सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय निर्मला देवी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। आवा नाम होन हार किससे ताकत होवे, मरया होया इंसान जिंदा हो सके, भगवान राम जी कभी दुखां नु प्राप्त ना करते, राजा नल कभी दुखां नु प्राप्त ना करते, धर्मराज युधिष्ठिर उनके कुल दुख ना। संसार है की इनू कंडियां दी वार कहंदी है, बंदे नु रस्सियां नाल बांध दियो, संगलां नाल बांध दियो, कभी ना कभी छुट जाएगा। जेड़ा दृष्टि दे बंधन विच बंधिया गया, जब प्राण है फिर भी रोने है, नानक दुखिया सब संसार है। महाराज कहंदे रोण दा काम नहीं करी, जेड़ा संसार विच आया है उन्हें मेरे कोल चले जाना। चार पिंड चौथे वाले दिन अठ बलियां, आओ पंडित जी गरुड़ पुराण की कथा लाहौर उन्हें मैं वर्णन तुम्हें दसना। दसवें दिन गंगा मैया, गंगा मैया की अहमियत क्यों ज्यादा दसी गई है, गंगा को लेके कौन आया है, राजा शगत 7000 बंदे पुत्र से अश्विनी जग तक घोड़ा छड़ दिता, इंद्र ने घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि जी के आश्रम के विच बंद दिता। असि अज कहने शराबी, शराबी उस वक्त भी होंगे जिस वक्त राजा शगन को जाके दसिया कि तेरा घोड़ा कपिल मुनि जी महाराज ने पकड़ लिया है। बड़ा क्रोध आ गया,
ਕਹਿੰਦਾ 60,000 ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਲਕਸ਼ਰ ਸੈਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਕੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਵਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਮੁਨੀ ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਦੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼ਗਨ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾ ਨਿਕਲੀ 60,000 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਧੁੱਪੋਗਾ ਖਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਕ ਬੇਟਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾਹੇ ਮੁਖਮ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਆਦ ਸਤ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਸਚ ਨਾਨਕ ਉਸੇ ਕੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਚਾਰ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਾ ਖਾਤੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਵੀ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਪਿੰਡੀ ਕਰਮ ਇਹ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸੈਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता लूटपाट करने वाली गिरोह के दो सदस्यों को किया काबू लूट के दो मोबाइल भी किए बरामद। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौके पर नगर कीर्तन का किया गया आयोजन जगह जगह स्वागती गेट सजाकर और फूलों की वर्षा कर नगर कीर्तन का किया भव्य स्वागत। जालंधर की होटल शंग्रीला में टिमटिम बाजार एग्जीबिशन की हुई धमाकेदार शुरुआत बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स की जमकर खरीदारी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।